पता ही नहीं चला कितना खून आ गया। मैं चंद्रेश्वर धाम में हूँ, कल से यहीं हैं हम, कल रात को यहीं थे। भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के बाद हम निकल पड़े घूमने के लिए। यहाँ आगे एक झरना है तो वहीं जा रहे हैं। अभी ऊपर मंदिर से घर आए और उसके बाद लेंगड़े के लिए आए। इतनी सब्जी तैयार कर ली हमने। तो भाई लेंगड़े ये है हमारे पास, सबसे ज्यादा इसके पास है। इसके पास हमने ये निकाल के, इसको तो पता ही नहीं था लेंगड़े के बारे में। बाकी संतोष भाई सब ने सब्जी तैयार कर ली, इसने तो भेजनी है देहरादून। एक और नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र बरतवाल और आप देख रहे हैं दिल से पहाड़ी। चलिए फिर पहाड़ों की बातें बयां करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। दोस्तों आज मैं चंद्रेश्वर धाम में हूँ, कल से यहीं हैं हम, कल रात को यहीं थे। और यहाँ से जो आसपास का व्यू है सुबह सुबह का कुछ इस तरह का है। मेरा गाँव श्रीगढ़ इस साइड को रह गया, बाकी नीचे जखमाला गाँव वहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ का नाम है जखमाला, यहाँ पर है चौकी, वहाँ है दुड़पुंगा, ये पूरी एक ही ग्राम सभा है। यहाँ तक जहाँ हम हैं ये गोदली है सामने पर, ये गोदली भी पूरा जखमाला पार्टी ये पूरी एक ग्राम सभा में आती है। और सामने का व्यू देख सकते हो, क्या बादल लगे हुए हैं सामने देखो। हाँ, और यहाँ भी पूरे बादलों से छाए हुए हैं पहाड़ और मौसम हल्का फुल्का साफ हो रखा ऊपर आसमान। और यहाँ पर प्रसाद बनाने की तैयारी चल रही है अभी। और गोली बड़े नहीं है, दगड़ा नहीं गए, तो थोड़ा नहाते हैं और उसके बाद हम भी पानी चढ़ाते हैं ऊपर शिवालय में। नहा धो के मंदिर प्रांगण में पहुंचने ही वाले हैं और अब थोड़ा पानी चढ़ाते हैं भोलेनाथ को, उसके बाद देखते हैं आज क्या क्या होता है आज के दिन में। जय शिव शंकर, गुरु जी प्रणाम। हमारे ब्लॉगर्स आप खूब उन्नति करें, खूब जो है अपने कार्य पे जो है लगे रहे, यूं ही सुंदर सुंदर हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाते रहे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल गुरुजी। भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के बाद हम निकल पड़े थोड़ा घूमने के लिए। यहाँ आगे एक झरना है और झरने को देखने जा रहे हैं। आधा घंटा पैदल चलने के बाद फाइनली झरने पे पहुंच गए, पर झरने में पानी ही नहीं है यार। ये देखो गरीबी रेखा में चल रहा है ये झरना भी। और जब मैंने यहाँ की फ़ोटो देखी थी उसमें तो बहुत बड़ा झरना था यार ये, और आज पानी नहीं है उसमें कुछ उस तरह का। पर व्यू यहाँ गजब का है यार, ये देखो यहाँ नीचे गुड़म गांव है, यहाँ पर उधर ये सीधेली रह गया। बाकी देखो व्यू देख सकते हैं, नज़ारा देख सकते हैं आप यहाँ का। ये देखो झरना, नीचे की साइड एक और वाटरफॉल है भाई। ऊपर से दो तीन वाटरफॉल गिर रहे हैं और यहाँ नीचे जाकर पानी इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ पर एक की, ये देखो क्या प्यारा लग रहा है ये भी। आधा घंटा रुके हम लोग यहाँ पर और थोड़ा फोटो शूट किया, और उसके बाद अब निकलते हैं यार फिर मंदिर के लिए। जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, जो इस क्षेत्र के हैं, जिनको पता नहीं है उनको बता देता हूँ मैं कि ये वाटरफॉल जो नौली गांव के लिए जो सड़क जाती है, उस सड़क पर गोदली के बाद जो पहला मोड़ आता है सड़क पर, वहीं पर ये है। और बारिश के बाद तो ये वाटरफॉल बहुत प्यारा लगता है भाई, उस समय इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो उस समय बहुत प्यारा लगता है। तो कोशिश करना उस टाइम पर आना, आप जो भी आसपास एरिया के हैं वो तो आना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए। बहुत बढ़िया लोकेशन भी है और मौसम भी कुछ कह रहा है कि जल्दी जल्दी जाओ मंदिर में, मैं बारिश करने वाला हूँ। तो फटक फटक से निकलते हैं यार मंदिर के लिए। जागी जागी मेरा मेरा।
उम्र मनेवा जागी मेरा उम्र मनेवा मेरा मनेवा मेरा उम्र मनेवा भूमि हाथ पर अभी ऊपर मंदिर से घर आए और उसके बाद लेंगड़े के लिए आए, इतनी सब्जी तैयार कर ली हमने और अभी और ढूंढ खोज जारी है क्योंकि बृंदर ने अपने भाई को देहरादून भी देनी है तो थोड़ा थोड़ा इसके लिए भी निकालनी है हमने। तो यार आजकल शाम की सब्जी
थोड़ा इधर उधर करने के बाद मिल ही जाती है। लिंगड़े स्पेशली आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखो ऐसी ऐसी जगह पर डर भी लगती है, पर क्या करें, आसान कुछ काम नहीं होता। यहाँ पर से निकाल रखे हैं शायद, पर फिर भी ढूंढते हैं। हाँ फिर की सब्जी तो ढूंढनी पड़ेगी। भला ऐसी वीरेंद्र बोल रहा है या तो भाई लेंगड़े ये है हमारे पास सबसे ज्यादा, इसके पास है। इसके पास हमने ये निकाल के, इसको तो पता ही नहीं था लेंगड़े के बारे में। बाकी संतोष भाई सब ने सब्जी तैयार कर ली, इसने तो भेजनी है देहरादून, है ना। तो हमारे पास एवरेज सब्जी है जो जितने हमें चाहिए थी जरूरत की। यहाँ नहीं है मुझे आंसर फोन बट सौर बिचिन पर अबार था फ्लो फ्लो में ऐसे ही। तो भाई अब पता क्या है, अब कभी भी गाली भी पड़ सकती है क्योंकि लोगों के खेत के रास्ते आ रहे हैं हम। हैं ये बोला इस कोलर में गाली नहीं खाते वाले तो पता नहीं तब खोल ना तगड़ा का तू एकदम। कोई बात नहीं हम भूजी खाना चाहे चिंता नहीं, भूजी खाना चिन खाए खुद कोई बात नहीं। पहले तो प्योर भरी चोर हूँ गाय खाना भी, अभी करता हूँ मैं बाद में वीडियो। लंगड़े लेके घर पे पहुँच चुका हूँ और यार यहाँ पैर पता नहीं किस चीज़ ने काट लिया, जूंक ने काटा शायद यार, ये देखो भयंकर, पता ही नहीं चला कितना खून आ गया। हाँ दर्द थोड़ा ना हो रहा वहाँ पे, खुजली जैसी हो रही है जहाँ पर जूंक ने काटी होगी वहाँ पर खुजली जैसी हो रही है। और बाकी अभी मौसम ऐसा है, आज दिन भर मौसम सही था लेकिन अभी शाम को कुछ इस तरह का हो गया भाई मौसम। ककड़ी तो एक भी नहीं लगी यार इस पर, पता नहीं कब लगेगी। राम देवा लंगड़े लेके घर पे पहुंच चुका हूँ और यार यहाँ पैर पता नहीं किस चीज़ ने काट लिया, जूंक ने काटा शायद यार, ये देखो भयंकर, पता ही नहीं चला कितना खून आ गया। हाँ दर्द थोड़ा ना हो रहा वहाँ पे, खुजली जैसी हो रही जहाँ पर जूंक ने काटी होगी वहाँ पर खुजली जैसी हो रही है। और बाकी अभी मौसम ऐसा है, आज दिन भर मौसम सही था लेकिन अभी शाम को कुछ इस तरह का हो गया भाई मौसम। ककड़ी तो एक भी नहीं लगी यार इस पर, पता नहीं कब लगेगी। राम देवा आग जला दी, सब्जी बनाने की बारी मेरी है। मैंने कहा सोनिका जब तक आए तब तक बना देते नहीं, थोड़ा हेल्प हो जाएगी उसकी। तो भाई आज सब्जी बनाने की, तो भाई सब्जी बनाने की ड्यूटी है मेरी। और ये है कटी हुई है सोनिका ने काट रखी थी भिंडी और मैंने कहा मम्मी को थोड़ा आराम कर ले, अभी मैं ही बनाता हूँ सब्जी। तो भाई सब्जी की तैयारी है, मेरी मम्मी की चश्मे आंखों पे आहा इधर को आज कमाई दी गणी मेरी माँ जंबली उन्होंने रोन दिया उसमें हाँ। काकड़ी खानी है रात भी आराम प्योर खराब पड़ू तब चलो पता। चलो मम्मी को खाने दो, मैं तब तक सब्जी बना देता हूँ जब तक सोनिका आती है। तो भाई सब्जी बनाने की ड्यूटी है मेरी और ये है कटी हुई है सोनिका ने काट रखी थी भिंडी और मैंने कहा मम्मी को थोड़ा आराम कर ले, अभी मैं ही बनाता हूँ सब्जी। तो भाई सब्जी की तैयारी है, मेरी मम्मी की चश्मे आंखों पे आहा इधर को आज कमाई दी गणी मेरी माँ जंबली उन्होंने रोन दिया उसमें हाँ। काकड़ी खानी है रात भी आराम प्योर खराब पड़ू तब चलो पता। चलो मम्मी को खाने दो, मैं तब तक सब्जी बना देता हूँ जब तक सोनिका आती है। खाना खा लिया है और आज थोड़ा जल्दी सो जाते हैं क्योंकि कल मैंने चंद्रेश्वर धाम में जाना है, वहाँ कल क्या बोलते हैं जल यात्रा है और परसों समापन है वहाँ पर, तो कल वहाँ पर भी अपना योगदान देंगे जो भी हमसे हो बनेगा। बाकी कल सुबह ही चले जाएंगे वहाँ, तो यार थोड़ा नींद पूरी कर लेते हैं क्योंकि कल भी वहीं रहना है और परसों शाम को आएंगे वहाँ आश्रम से देकर, तो वहाँ नींद पूरी होने वाली तो है नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले सो जाते हैं, आज नींद पूरी कर लेता हूँ और फिर कल आपको मिलेगा चंद्रेश्वर धाम का वीडियो और जिसमें जल यात्रा वगैरह पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा मैं। प्रयास क्या मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो बनी रहिए दिल से पार्टी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।